चलिए जी गुड इवनिंग शुभ संध्या राधे राधे जय श्री कृष्णा सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है साथियों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई रवि बलराम जमशेद ब्यूटी मलिंगा श्वेता सिमरन सपना प्रियंका आरती महेश बहुत बहुत स्वागत है भाई मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से अपने इस प्यारे से सेशन को अपने इस पसंदीदा सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथियों के साथ शेयर भी करिएगा और कॉपी पेन लेकर ही क्लास में बैठिएगा और अपने आप से एक वादा करके बैठिएगा कि एक घंटे पूरी मेहनत से पढ़ेंगे और एक घंटे के बाद ये विचार करेंगे कि क्या कुछ आज हमने नया सीखा और आप अगर पाएंगे कि आपने कुछ नया सीखा कुछ अच्छा सीखा सीखा कुछ जबरदस्त तो ही अगले दिन क्लास में आएंगे ठीक है है ना सिंपल सी बात चलिए तो अगली क्लास के एकदम बिल्कुल जबरदस्त धमाकेदार तरीके से अगली क्लास में भी जुड़ने का मन तभी होगा जब आज आपको सीखने को मिले कुछ शानदार कुछ बीके का जीके अंदाज तो आइए ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है साथियों तो कथक तो आप जानते हैं कि कहां का है उत्तर प्रदेश का है सत्रिया कहां का है साथियों आसाम का है ठीक है मणिपुरी तो मणिपुर का ही है अब इसमें आप देखेंगे जो भांगड़ा पंजाब का है साथियों ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है शास्त्रीय नृत्य नहीं है तो भारत में साथियों आठ शास्त्रीय नृत्य हैं जैसे अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा में उड़ीसा तो है ही है इसी प्रकार से आप देखिएगा तो केरल में साथियों केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर दो दो शास्त्रीय नृत्य है जिसमें से साथियों एक है कथक और दूसरा कौन सा है मोहनीअट्टम क्या है भैया मोहनीअट्टम साथियों तो बिल्कुल याद करना होता है बाकी अगर हम बात करते हैं साथियों भरतनाट्यम की तो भरतनाट्यम कहां से संबंधित है तो साथियों भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है कहां से

साथियों जिस तरह से हम शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं उसी प्रकार से शास्त्रीय भाषाएं भी आती हैं शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है शास्त्रीय भाषाएं कितनी है साथियों तो याद रखिएगा शास्त्रीय शास्त्रीय भाषाएं भाषाएं कितनी है छह हैं इनको याद करने की एक जबरदस्त सी ट्रिक दे दो किसको किसको याद है भैया जबरदस्त भाई सुभी प्रियंका गोस्वामी बताएंगे भैया तो देखो ऐसा है कि यहां पर एक सिंपल सी ट्रिक है और वो ट्रिक है साथियों की तीस तो कमाओ अरे तीस तो कमाओ शास्त्री जी तो तो कमाओ शास्त्री जी तो एक सिंपल सी लाइन साथियों आपको याद रखना है कि तीस तो कमाओ शास्त्री जी तीस तो कमाओ मतलब शास्त्री जी से कहा रहा है कि अरे शास्त्री जी तीस तो कमा लो यार है ना तो देखिए कैसे याद हो जाएगा तो देखिएगा यहां पर साथियों हो जाएगा तमिल क्या हो जाएगा तमिल हो जाएगा यहां क्या हो जाएगा साथियों स से यह संस्कृत हो जाएगा यहां पर साथियों क्या हो जाएगा तेलुगु हो जाएगा ठीक है क से क्या हो जाएगा कन्नड़ हो जाएगा से क्या हो जाएगा मलयालम हो जाएगा क्या हो जाएगा मलयालम हो जाएगा और ओ से क्या हो जाएगा साथियों तो ओडिया हो जाएगा क्या हो जाएगा ओड़िया हो जाएगा अब इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि साथियों एग्जाम में यहां से दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं ठीक है दो तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं भैया तो दो तरीके से यह क्वेश्चन आते हैं कि जैसे जैसे एक तो यहां से चार ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि निम्नलिखित में में से किसे सबसे बाद शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है ना और या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भाई पूछ लिया कि मलयालम को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया या ओडिया को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया समझ रहे हैं ना तो अब इसका ईयर कैसे याद करेंगे तो अलग अलग मत याद करिए ऐसे याद करिए क्या कि भाई ऐसे याद करिए कि चार पांच आठ आठ तेरा चौदह मतलब समझ रहे हैं क्या कहा हमने ऐसे याद करिए कि चार पांच आठ आठ तेरह चौदह ठीक है अब इसका मतलब तो आप ही रहे हैं कि यहां चार का मतलब 2004 और यहां पांच का मतलब 2005 और यहां आठ का मतलब 2008 और यहां आठ का मतलब 2008 हजार आठ यहां तेरह का मतलब 2013 और यहां चौदह का मतलब 2000 चौदह अगर इस तरीके से याद करेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा ठीक है ना हाँ जी चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे आप चाहे साथियों तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यही है वीके का जी की अंदाज जिसको पढ़िएगा तो आपको भी लगेगा कि वाह जबरदस्त जिंदाबाद चले अगले प्रश्न की ओर यह बताइए जरा फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए क्या कह रहा है कह रहा है भैया भारतीय संगीत क्या भैया क्या कह रहा है भारतीय संगीत चलिए तो बताना है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है चलिए फटाफट हाँ, बता दीजिए कि भारतीय संगीत का, भारती का साधु देखिए एक तरह से सिंपल सी ट्रिक है सिंपल सा तरीका है कि से संगीत और सा सामवेद ऐसे आप याद कर सकते हैं स से संगीत और स से सामवेद ठीक है ना तो ऐसे याद कर सकते हैं साथियों अच्छा अब एक बात और ध्यान ध्यान दीजिए कि यहां देखिए ऋग्वेद है तो री से ऋग्वेद और री से क्या होता है ऋषि मुनि से ऋग्वेद और री से क्या होता है री से होता है ऋषि मुनि तो जिस प्रकार से री से ऋग्वेद और री से ऋषि मुनि होता है और ऋषि मुनियों का काम क्या होता है ईश्वर महिमा करना क्या करना भैया ईश्वर महिमा करना तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि इसका मतलब ऋग्वेद का ऋग्वेद में किसकी बातें लिखी है ईश्वर महिमा की बातें लिखी हैं। उपनिषद में किसकी बातें लिखी हैं? तो याद रखिएगा ये हिंदू दर्शन पर आधारित है ना इसमें किसकी बातें लिखी हैं भैया तो हिंदू दर्शन की बातें लिखी हैं। हिंदू दर्शन पर आधारित है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपनिषद किस पर आधारित है हिंदू दर्शन पर आधारित है और देखिए या से यजुर्वेद या से यज्ञ ठीक है ना तो यज्ञ संबंधी जो कर्मकांड है यज्ञ संबंधी जो कर्मकांड है वो कहां मिल जाते हैं यजुर्वेद में मिल जाते हैं तो इस तरह से सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हैं बाकी एक अथर्द होता है जिसमें क्या होता है भाई अथर्द में तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण आदि की जो बातें हैं वो मिलती हैं तो इस प्रकार से यहां याद करना बेहद आपके लिए आसान हो जाता है आइए जरा ये देख लिया जाए भैया अच्छा भैया पारस बिल्कुल कौन सा नौ हो गया है अच्छा लैंग्वेज ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं आपको अपडेट देते हैं ठीक है ना चलिए आगे बैठ लिया जाए हाँ जी तो देखो भैया किस शासक ने पाटलिपुत्र में गंगा एवं सोन नदी के संगम को न, 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 संगम को नगर की स्थापना कौन सी पाटलिपुत्र नगर की बात हो रही है किसकी बात हो रही है भाई साहब पाटलिपुत्र नगर की बात हो रही है तो चलिए फटाफट बता दीजिएगा बिल्कुल जबरदस्त तरीके से है ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है तो बताइएगा ये साथियों इसका राइट आंसर क्या है राइट आंसर है उदयन क्या आंसर है उदयन एक चीज का ध्यान दीजिए कि यहां पर साथियों बात हो रही है किसकी बात हो रही है पाटलिपुत्र की तो अगर हम पाटलिपुत्र के बारे में बात करते हैं ठीक है ना पाटलिपुत्र के बारे में बात करते हैं साथियों तो जरा ध्यान दीजिए सबसे पहले तो यह कि अगर हम इसका पुराना नाम देखें पाटलिपुत्र का पुराना नाम बताइए का पुराना नाम बताइए क्या है भैया भैया तो इसके दो नाम है ना दो नाम क्या आप यूं समझिए कि पाटलिपुत्र का पुराना नाम एग्जैक्टली पूछता है तो कुसुमपुर बता दीजिए क्या बता दीजिए कुसुम पार बता दीजिए वर्तमान नाम क्या है इसका वर्तमान नाम साथियों क्या है इसका वर्तमान नाम इसका पटना है और पटना नाम किसने दिया था याद करिए पटना नाम किसने दिया था यह नाम शेरशाह ने दिया था यह नाम किसने दिया था बताइए यह नाम शेरशाह ने दिया शेर शाह ने शेरशाह सूरी ने साथियों यह नाम दिया था दिया था कि नहीं दिया था याद है आपको बिल्कुल अब इसी प्रकार से याद करिए कि साथियों यह कौन से दो नदियों के संगम पर है तो गंगा सोन दुआब गंगा सोन दुआब में स्थित है मतलब गंगा और सोन नदियों के बीच में स्थित है इसी प्रकार से आप देखिएगा पाटलीपुत्र को किसने बसाया अगर आपसे पूछा जाए तो बसाया था साथियों किसने उदयन ने बसाया था किसने बसाया था उदयन ने बसाया था और यहां पर एक चीज का और ध्यान दीजिएगा कि ये जो उदयन शब्द लिखा है ना उदयन नहीं लिखा होना चाहिए यहां क्या लिखा होना चाहिए था एग्जैक्टली exactly, ये साथियों उदयन लिखा होना चाहिए था है ना उदयन लिखा होना चाहिए था क्योंकि उदयन अलग है और उदयन अलग है उदयन अलग है और उदयन अलग, अलग है क्यों अलग है क्योंकि अगर हम उदयन की बात करते हैं तो उदयन साथियों वत्स वत्स का का राजा राजा यहां यहां पर पर है 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 ना 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 कहीं न कहीं टाइपिंग एरर हुआ था एक राज्य था वत्स राज्य उसका नाम था उदयन ठीक है राजा का और उदयन कौन है साथियों यह हरिय वंश का शासक था मगध का हरिय वंश का शासक था मगध का ठीक बात है ना अच्छा अब देखिए जरा ध्यान देते चलिए तो बसाया किसने उदयन ने अब यहां प्रथम दुर्ग किसने बनवाया प्रथम दुर्ग का निर्माण यहां पर किसने कराया था भैया तो यहां पर साथियों जो प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया गया था वो किसने कराया था वो साथियों कराया था अजाज शत्रु ने किसने कराया था अजाज शत्रु ने है ना अगर आपसे कहता है कि पहली बार इसे राजधानी किसने बनाई जैसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी किसने बनाई थी तो याद रहे कि अगर ऑप्शन में आपको उदयन दिख रहा है तो हंड्रेड यही आंसर है कि उदयन ने बसाया भी और पाटलिपुत्र को उसने अपनी राजधानी भी बनाई ठीक है भैया रवि ठीक है फिर क्या फिर आप देखेंगे साथियों कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑप्शन में उदाईन नहीं रहता है और ऐसे में विकल्प में आपको क्या मिल जाता है चंद्रगुप्त मौर्य मिल जाता है और आपको वही आंसर बताना पड़ता है क्यों क्योंकि उदयन ऑप्शन में नहीं होता है ठीक है अच्छा अब यह भी याद करिए जरा कि पोली ब्रोथा किसने कहा था भैया पोली ब्रोथा कहा तो किसने कहा था पोली ब्रोथा तो याद रहे कि पोली ब्रोथा कहने वाला था किसने साथियों मेगस्थनीस के द्वारा इसे पोली ब्रोथा कहा गया था क्लियर बात है अच्छा किसके काल में इसका नाम अजीमाबाद पड़ा तो अजीमाबाद नाम इसका किसके काल में पड़ा था तो अजीमाबाद औरंगजेब के समय में ठीक है ना औरंगजेब काल में औरंगजेब के समय में औरंगजेब के काल में इसका नाम साथियों क्या पड़ गया था अजीमाबाद पड़ गया था क्यों क्योंकि इसका इसका पोता था था एक अजीम उसी ने इसका नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था। ठीक है ना चलिए आगे देखा जाए अच्छा भैया निर्मल ठीक है तो आप चाहे साथियों तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जबरदस्त तरीके से शानदार तरीके से ठीक है भैया चले अगले प्रश्न की तरफ स्क्रीनशॉट सबने ले लिया है बढ़िया कोई दिक्कत चलिए आगे देख लिया जाए हाँ जी ये देखिएगा फटाफट बौद्ध ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ जो पिटक है त्रिपिटक तो आप जानते ही हैं तो चलिए उसी के बारे में क्वेश्चन है ये त्रिपिटक याद यह भी रखिएगा साथियों कि जो त्रिपिटक है तो त्रिपिटक त्रिपिटक को इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में इस बात का भी कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ठीक है ना तो थ्री फोल्ड बास्केट या त्रिपिटक जिसमें साथियों तीन किताबें आती हैं तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है जिसमें से एक आप जानते होंगे क्या है भैया पिटक है जिसमें गौतम बुद्ध के संवाद एवं

कि जैन साहित्यों की भाषा क्या है जैन साहित्य की भाषा क्या है तब आप क्या बता रहे होते तो जैन साहित्यों की जो भाषा है तो जैन साहित्यों की भाषा क्या हो जाएगी ये हो जाएगी अर्धमागधी क्या हो जाएगी भैया जैन साहित्यों की भाषा हो जाएगी अर्धमागधी चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले भैया मंटू एकदम जबरदस्त धमाकेदार तरीके से यह बताइए हाँ जी कौन बता रहा है भाई रागनी बलिंगा बहुत बढ़िया भाई यादव जी सोनाली जी बताइए हम्पी का खुला संग्रहालय पहली बात तो याद करिए कि अगर हम हम्पी की बात करें तो हम्पी में किसके खंडहर मिलते हैं विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहां मिलते हैं बताइए कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहां मिलते हैं तो विजयनगर साम्राज्य के खंडहर यहीं मिलते हैं विजयनगर साम्राज्य के खंडहर यहीं मिलते हैं और ये किस नदी के किनारे है याद करिए तुंगभद्रा नदी के किनारे है तुंगभद्रा नदी के किनारे है है कि नहीं ये तुंगभद्रा तुंग 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 नदी के किनारे है ना किस राज्य में तो कर्नाटक राज्य में किस राज्य में स्थित है कर्नाटक राज्य में स्थित है बहुत बढ़िया शानदार जबरदस्त जी हाँ मजा आया तो सेशन को लाइक वाइक जरूर करते चलिएगा साथियों और एकदम बिल्कुल अपने साथियों के साथ शेयर भी करिएगा जो जरूरतमंद है चलिए बताएंगे भाई पुष्पा कबीर के गुरु कौन थे अब देखिए एक बात मजिए मैं, मैं आपको गुरु स्पेशल पढ़ाता हूं गुरु स्पेशल मतलब सारे गुरुओं के बारे में एक जगह पर बताता हूं आइए जरा शानदार तरीके से देखेंगे मजा ही आ जाएगा साथियों गुरु स्पेशल है ना आप भी कहोगे गुरुजी गुरु स्पेशल हाँ जी बिल्कुल तो देखिए चलिए आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि अकबर का गुरु कौन था अकबर का गुरु कौन था बताइए इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे बताइए निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे बताइए है ना इसी प्रकार से मैं आपसे कहूं कि ठीक है खुसरो खुसरो के के गुरु गुरु कौन कौन थे थे बताइए इसी प्रकार से देखिएगा साथियों कि अगर मैं आपसे कहूं और थोड़ा सा आगे बढ़िए और चीजें मिलेंगी जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ठीक है ना तो शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे भैया शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे साथियों इसी प्रकार से और आगे बढ़े तो आप देखिए महात्मा गांधी के भी गुरु का नाम है ठीक है ना अच्छा मोहम्मद अली जिन्ना के भी गुरु पूछा जाता है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मोहम्मद अली जिन्ना के गुरु कौन थे और याद करिए साथियों सुभाष चंद्र बोस के भी राजनीतिक गुरु पूछा जाता है ठीक है इसी प्रकार से हरिहर और बुक्का हरिहर जाता है पूछा जाता है कि नहीं पूछा बताइए भैया पूछा जाता है ना तो बिल्कुल आपको तैयार रहने की जरूरत

अच्छा खुसरो का गुरु कौन था तो निजामुद्दीन ही खुसरो के गुरु थे ठीक है अच्छा और एक कौन थे साथियों एक थे साथियों जिनका नाम था अब देखिए इनको गुरु रामदास समर्थ रामदास लिखा रहता समर्थ रामदास दादाजी कोंडदेव इनके राजनीतिक गुरु थे ठीक है दादाजी कोंडदेव क्या थे इनके राजनीतिक गुरु थे क्या थे इनके राजनीतिक गुरु थे ठीक बात है अच्छा महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों के राजनीतिक गुरु कौन थे लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो थे, थे भैया मैजनी थे कौन थे? मैजनी थे और इनके गुरु कौन थे साथियों राजनीतिक गुरु कौन थे स्वामी हरिदास थे कौन थे साथियों स्वामी हरिदास थे फटाफट

बताना है हुमायूं द्वारा लड़े गए चार युद्धों का क्रम इसकी सिंपल सी ट्रिक बता दें भाई हाँ जी बिल्कुल भाई श्वेता जी बताएंगे संजीत मंटू बहुत बढ़िया भी क्लास में है तो आंसर कौन बताएगा गर्ल देखिए भैया दे चौके हुमायूं सर ठीक है क्या ट्रिक है भैया तो दे चौके, दे चौके तो दे चौके सर, तो दे चौके सर से फायदा क्या है फायदा यह है ही रहे हैं इसका मतलब ये ट्रिक है। और दे से हो गया क्या देवरा का युद्ध ठीक है ना और देखिए चौसे क्या हो गया चौसा का युद्ध ठीक है ना का से क्या हो गया कनौज का युद्ध साथियों कनौज के युद्ध को ही हम और क्या कहते हैं इसी को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं क्या कहते हैं बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं और सर से क्या हो जाएगा सरहिंद का युद्ध क्या हो जाएगा सरहिंद का युद्ध ठीक है ना बाकी रही बात साथियों यहां पर कि भैया कौन से किस वर्ष लड़ा गया तो 1531 में 1539 में 1540 में और ये 1555 में ठीक बात है 1555 में और राइट आंसर ये आपका बी हो जाए ठीक है ना राइट right आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ठीक है ना चलिए तो बिल्कुल इस तरह से आप सिंपल याद कर सकते हैं बढ़िया सी ट्रिक है और भाई देवरा के युद्ध में क्या हुआ था हुमायूं ने किसको हराया था याद करिए महमूद लोदी को हुमायूं ने महमूद लोदी को हराया था इन दोनों युद्धों में हुमायूं शेरशाह सूरी से हारा था और इस युद्ध में हुमायूं ने भाई अंतिम सूरी शासक सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया था अंतिम सूरी शासक सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया था हाँ अरे ये वो वाला देवरा नहीं है ये देवरा नाम की जगह है ठीक है ना हाँ पता चले तुम वो वाला देवरा समझो ठीक है चलो ये बताओ जरा फटाफट तो पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पहले डुपले कहां का गवर्नर था देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्या होता है जैसे पूछ लेता है कि अशोक शासक बनने से पहले कहां का राज्यपाल था बताइए अशोक शासक बनने से पहले कहां का राज्यपाल था तो साथियों अवंती का कहां का था अवंती का था, था कि नहीं था बताओ ठीक है अच्छा इसी प्रकार से क्वेश्चन हो जाता है ये वाला आपका देखिए जैसे अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी शासक बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहां का सूबेदार था तो कढ़ा मानिकपुर का था याद करिए इल्तु साथियों इल्तु तमीस भी सुल्तान बनने से पहले कहां का कहा था तो साथियों बदायूं का था 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 कि नहीं बताइए बदायूं का था ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन आता 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 है आता है आता है कि कि नहीं भाई औरंगजेब औरंगजेब शासक बनने से पहले राजा बनने से पहले कहां का सूबेदार था तो बताया जाता है भैया दक्कन का सूबेदार था तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि नहीं होते हैं तो वही क्वेश्चन यहां भी है साथियों वैसा ही क्वेश्चन यहां पर भी है तो एक ही जगह पर आपको ओम अंदाज में बता दिया कि अशोक शासक बनने से पहले अवंती का अलाउद्दीन शासक रह चुके थे चले अगले के तरफ चले शर्मा जी बहुत बढ़िया आइए ये बताइए बताना क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात कर रहे हैं ठीक है ना चलिए फटाफट बताएंगे भैया हां जी फटाफट बताइए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना साथियों कहां पर हुई थी तो पहली बात तो इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में कब स्थापना हुई थी भैया तो दिसंबर अठारह में स्थापना हुई थी संस्थापक कौन है दोस्तों तो एओ ह्यूम संस्थापक हैं कौन संस्थापक हैं है ह्यूम संस्थापक हैं और जब पहली बैठक हुई थी तो पहली बैठक में कितने लोग आए थे तो बिल्कुल याद रखिएगा कि पहली बैठक में कितने लोग उपस्थित हुए थे तो साथियों पहली बैठक में आए थे कुल मिलाकर बहत्तर लोग कितने लोग आए थे बहत्तर लोग आए थे अठारह में कहां पर भैया गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय तो बिल्कुल याद रहेगा ये नाम गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय दोस्तों ठीक है ना चलिए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं और जबरदस्त तरीके से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं ये बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था कौन बता रहा है भाई भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था तो साथियों भी ग्वालियर टैंक से प्रारंभ हुआ था कहां से ग्वालियर टैंक से प्रारंभ हुआ था साथियों ग्वालियर टैंक मुंबई से प्रारंभ हुआ था यह भी ठीक है ना और याद रखिएगा कि साथियों 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था अच्छा एक बात और याद करिए वही डेट है जिस दिन अंग्रेजों ने बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था तो याद रहे ऑपरेशन जीरो आवर का उद्देश्य

बढ़ती महंगाई बेतहासा युद्ध की वजह से बेतहासा बढ़ती महंगाई ठीक है ना बेतहाशा बढ़ती महंगाई भी इसका कारण थी क्लियर बात है पक्का याद रहेगा अच्छा कितने लोग ये जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही आजाद दस्ते का गठन बिहार में हुआ था कितने लोग जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान ही आजाद दस्ते का गठन बिहार में हुआ कहां पर हुआ भैया का गठन बिहार में हुआ साथियों और किसने गठन किया था यह तो याद ही होगा कि किसने गठन किया था साथियों तो जयप्रकाश नारायण ने किसने साथियों जयप्रकाश नारायण नारायण ठीक है ना जबरदस्त धमाकेदार तरीके से चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद आइए अगले प्रश्न की तरफ चलें साथियों और भारत छोड़ो आंदोलन बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन था कह सकते हैं कि ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था ठीक है ना तो आजादी के पहले का सबसे बड़ा आंदोलन यही था ठीक है ना चले भैया मंटू फटाफट बताएंगे अच्छा टेलीग्राम चैनल विशाल सर एमडी क्लासेस सर्च करेंगे हो जाएगा बिल्कुल भाई संजीत यह बताइए फटाफट तो भैया हाँ जी बताना है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है सूर्य के मध्य भाग को कहा, कहा जाता है फटाफट वड़ सभी के आंसर आने चाहिए कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं जी हाँ सबके अपने अलग अलग आंसर आ रहे हैं और देखने वाली बात है कि इसका राइट आंसर क्या है वर्णमंडल आइए हम आपको दिखा देते हैं वर्णमंडल का मतलब होता है क्रोमोस्फियर क्या होता है क्रोमोस्फीयर तो साथियों ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप इसी को कहते हैं साथियों क्रोमोस्फीयर इसी को क्या कहते हैं क्रोमोस्फीयर वैसे एक चीज और है कि बिल्कुल जो है अगर आप देखेंगे एक चीज और कि देखिए भाई ये सबसे अंदर की परत है ये इसके बाद की है और ये इसके बाद की है ठीक है और ये इसके बाद की है ठीक है और ये इसके बाद की तो इसमें अगर देखा जाए तो एक दो तीन चार पांच हो रहे हैं ना अच्छा एक मिनट रुकिएगा तो इस हिसाब से साथियों इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए इस हिसाब से इसका आंसर फोटोस्फियर हो जाना चाहिए इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए फोटोस्फियर हो जाना चाहिए क्योंकि अगर आप देखेंगे कि क्या हो रहा है फोटोस्फियर एकदम बीचों बीच में पड़ रहा है वैसे यहां पर मेरे हिसाब से फोटोस्फियर और क्रोमोस्फियर दोनों विकल्प में नहीं होना चाहिए ठीक है ना क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करते है, लेकिन फिर भी दोनों ऑप्शंस की उप, उपस्थिति में फोटोस्पियर ऑप्शन को प्रेफर करना ज्यादा सही रहेगा ठीक है ना अच्छा अगर हम सबसे बाहरी परत की बात करते हैं तो वो आप देख रहे हैं कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है सबसे बाहरी परत को हम क्या कह सकते हैं साथियों तो बहरी सबसे बाहरी परत को हम कह सकते हैं कोरोना ये वो वाला कोरोना नहीं है जो 2020 में आया था ठीक है ना हाँ तो ये वो वाला कोरोना नहीं है ठीक है बाकी आप देख सकते हैं कि सूर्य में साथियों सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है उसके बाद हीलियम और तब जाकर ऑक्सीजन होता है ठीक है तो यह भी याद करना बहुत आवश्यक है और रही बात सूर्य के वायुमंडली परतों की तो यहां पर साथियों दे रखा है कि कौन सी चीजें क्या होती हैं आइए यह देख लिया जाए वेगनर के अनुसार पेंजिया वेगनर के अनुसार पेंजिया ठीक है ना बिल्कुल बिल्कुल <laughs> हाँ भाई संजीत बिल्कुल अब जरा ध्यान दीजिएगा वेगनर के अनुसार वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में हुआ था यह लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था पता है 200 करोड़ वर्ष पहले बताइए 200 करोड़ वर्ष कोई मजाक बात होती है 200 करोड़ वर्ष पहले साथियों ठीक है ना कब हुआ था दो करोड़ वर्ष पहले चलिए फटाफट बताएंगे भैया गुन्नू फटाफट बताओ भैया देखो ऐसा है राइट आंसर है कार्बोनी अब पेंजिया क्या है तो आइए जरा ध्यान दीजिएगा पेंजिया तो कितने लोगों को पेंजिया का कंसेप्ट पता है देखिए क्या है साथियों कि कहा जाता है कि पहले केवल एक ही ना महाद्वीप था और उसका नाम क्या था उसका नाम था साथियों पेंजिया क्या नाम था उसका एक ही महाद्वीप था उसका नाम था पेंजिया ठीक है ना एक सुपर कॉन्टिनेंट और एक ही महासागर था उसका नाम था पैंथा लानसा तो याद रखिएगा कि साथियों आज से करोड़ों वर्ष पहले केवल एक ही महासागर था उसका नाम था पैंथा लानसा और एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया अब ये जो पेंजिया है साथियों ना ये पेंजिया सबसे पहले किस में टूटा भाई सबसे पहले दो हिस्सों में टूटा जिसमें से एक बना अंगारा लैंड ठीक है ना हा फूल कभी जब बन जाए अंगारा ठीक है ना तो एक बना अंगारा लैंड और दूसरा क्या बना साथियों गोंडवाना लैंड क्या बना गोंडवाना लैंड बना और फिर ध्यान दीजिएगा कि आगे चलकर फिर क्या हुआ कि ये जो अंगारा लैंड है ये तीन हिस्सों में टूटे और एक बना क्या नॉर्थ अमेरिका बना एक साथियों क्या बना यूरोप बना और तीसरा क्या बना एशिया बना ठीक है ना और ये गोंडवाना लैंड जब टूटा साथियों तो एक बना एक बना क्या एक बना साउथ अमेरिका क्या बना साउथ अमेरिका बना एक क्या बना अफ्रीका बना साथियों क्या बना अफ्रीका बना एक क्या बना ऑस्ट्रेलिया बना क्या बना ऑस्ट्रेलिया बना और एक क्या बना अंटार्कट क्या बना और एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर ध्यान रखनी होती है कि साथियों ये सब तो महाद्वीप हैं जो आपको याद करनी ही करने हैं साथ में गोंडवाना लैंड से ही इंडिया भी बना था ठीक है स्पेशली साउथ इंडिया ठीक है ना इंडिया भी बना था साउथ इंडिया तो इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हैं कि पेंजिया किस प्रकार से आज सात महाद्वीपों में हमें नजर आता है तो पेंजिया किस प्रकार से सात महाद्वीपों में हमें नजर आता है वो सामने आप देख सकते हैं और रही बात पैंथा लांसा की तो पैंथा लांसा भी आप जानते हैं कि आज साथियों पांच महासागर हैं जिसको आप शॉर्टकट में क्या याद कर सकते हैं पैसा याद कर सकते हैं और ये साथियों पैसा का मतलब क्या है पी फॉर पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है फॉर पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है ए फॉर अटलांटिक ओशियन दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है आई फॉर इंडियन ओशियन तीसरा सबसे बड़ा है और एस फॉर साउथ ओशियन ये साथियों क्या है चौथा सबसे बड़ा है और सबसे लास्ट में है क्या भैया तो सबसे लास्ट में क्या है तो सबसे लास्ट में आपको मिल जाएगा आर्कटिक ओशियन क्या मिल जाएगा भैया आर्कटिक ओशियन मिल जाएगा क्लियर बात है ना तो एक सिंपल सी ट्रिक है और सबको क्या चाहिए सबको चाहिए पैसा तो सबसे बड़ा पैसिफिक उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा क्लियर है ऐसे याद रहेगा पैसा वैसा याद रहेगा ना कोई दिक्कत चलो तो इसी बात पर एक बार जरा जोरदार तरीके से सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा ठीक है ना चलिए अब भाई पारस जी कह रहे हैं ये सब किसने बनाया तो देखिए ऐसा है कि ये किसी ने बनाया नहीं है है ना वेगनर के अनुसार ये सब क्या है एक तरह से ये प्लेट टेक्टोनिक थियरी के अनुसार जो है चीजें बनी है ठीक है ना तो भाई है कि भाई करोड़ों वर्षों पहले केवल एक ही महाद्वीप था पेंजिया ये टूटा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में फिर टूटा तो ये ऐसे महाद्वीप बने ठीक है चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे ये बताएंगे जोरदार तरीके से हां भैया रवि बताओ फटाफट फटा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको बताना है कि क्या होता है? कैंसर क्या होता होता है. है यह आपको बताना है चलो भैया मुकेश फटाफट बता दो जरा जोरदार तरीके से तो भाई देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सीधी सी बात है कि जब अपन इस तरह से एक ग्लोब बनाते हैं ठीक है ना इस तरह से मान लीजिए हमने ग्लोब बना दिया एक मान लीजिए उतना गोल नहीं बना है ठीक है अभी भी उतना गोल नहीं बना लेकिन ठीक है पृथ्वी कौन सा पूरा गोल है ये देखिएगा ये जीरो डिग्री है साथियों ये कितना है? ये कितना है तेईस डिग्री क्या है भैया उत्तरी है और ये क्या है साथियों साढ़े तेईस डिग्री दक्षिणी आशांश है ठीक है ये क्या है भैया तो ये साथियों होता है साढ़े छाछ डिग्री दक्षिणी आक्षांश और ये होता है क्या ये होता है साढ़े छाछ डिग्री उत्तरी आक्षांश ठीक है हम क्यों बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं साथियों क्योंकि आप देखोगे इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं भूमध्य रेखा क्या कहते हैं इसको भूमध्य या विश्व रेखा भूमध्य या रेखा इसको कहते हैं क्लियर बात है इसको साथियों कहते 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 हैं 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 कर्क कर्क रेखा रेखा क्या क्या इसको इसको दोस्तों मकर रेखा क्या कहते हैं मकर रेखा और इसको क्या कहते हैं भैया इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त इसको क्या कहते हैं आर्कटिक वृत्त क्या कहते हैं आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल कहते हैं ठीक है और इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त क्या कहते हैं भैया अंटार्कटिक वृत्त कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना पक्का कोई दिक्कत नहीं है तो वही चीज है कि इसमें आप जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहा है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको कहते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब इंग्लिश में आएंगे तो आप देखेंगे कि यह जो कर्क रेखा है इसी को कर्क को ही कहते हैं कैंसर तो भैया साढ़े तेईस डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है इसी को साथियों कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक है ना इसी को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर चले अगले प्रश्न की और पक्का याद रहेगा ना ठीक है कोई दिक्कत ठीक है तो इंग्लिश में भी अवेलेबल है हिंदी में भी जैसे आप चाहे देख सकते हैं ठीक है भैया चलिए ये बताइए जरा तो हां भैया मुकेश बाबू बिल्कुल लाइव है हम भारत की है ना भारत के एक छोटे से शहर से आइए ये बताइए जरा तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है फटाफट बताएंगे भैया अच्छा भैया रवि फटाफट अच्छा तो कब से यही बताना चाह रहे थे <laughs> कि अभी पांच मिनट में आ रहे हैं रवि बाबू कब से कह रहे हैं गुरु हमारी भी सुन लो है ना फिर कहीं सर हमारी सुनी रहे हमने कहा अच्छा सुनाओ तो कहीं ना पांच मिनट में आ रहे हैं बहुत बढ़िया है। इतना आज्ञाकारी <laughs> चलो भूकंपी तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है भाई बड़ा आसान सा प्रश्न है भैया है ना लेकिन एक बात बताओ बैरोग्राफ का मतलब समझते हो ना बैरोग्राफ वही है बैरोग्राफ किससे बनता है बैरोमीटर से ठीक है बैरोमीटर पर जो भी पाठ्यांक आता है वो इस पर दिखाया जाता है अब आप जानते हैं ये क्या है वायु वायुदाब मापी है है कि नहीं वायुदाब मापी है तो यहां कोई समस्या तो है ही नहीं ठीक है अच्छा ये क्लाइमोग्राफ क्या है भैया तो याद रखिएगा साथियों क्लाइमोग्राफ का मतलब हो गया किसी स्थान ठीक है ना किसी स्थान की मूल जलवायु ठीक है किसी स्थान की मूल जलवायु जो है का मापन एक तरह से मूल जलवायु का मापन कह लीजिए ठीक है ना मूल जलवायु का आना का चित्रण जो है कि, जिस पर करते हैं उसको क्या कहते हैं भाई उसको कहते हैं क्लाइमोग्राफ वैसे भी क्लाइमेट है ना क्या होता है क्लाइमेट याद है ना भैया क्लाइमेट याद है आपको तो वही चीज है क्लाइमेट से ही बना है क्लाइमोग्राफी क्लाइमेट से ही क्या बना है साथियों क्लाइमोट क्लाइमोग्राफी बना है अच्छा ये इर्गोग्राफ क्या होता है भैया तो आप देखेंगे साथियों जलवायविक ठीक है ना जलवायविक ठीक है जलवायविक दशाएं एवं जलवायविक दशाएं जलवायुविक दशाएं एवं जलवायुविक दशाएं एवं फसलों का वर्धन काल क्या भैया फसलों के वर्धन काल का जो चित्रण है फसलों के वर्धन काल का जो चित्रण है उसको यहां पर हम देख सकते हैं वर्धन काल का चित्रण ठीक है ना वर्धन काल का चित्रण पक्की बात है याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं ना तो चलो भैया फिर अगला देख लिया जाए राइट आंसर क्या हो जाएगा सीस्मोग्राफ और बाकी भी आपको बता दिया ठीक है चलिए ये जरा दलदली अथवा दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है बहुत बढ़िया फटाफट बताएंगे भैया फटाफट बताइए जोरदार तरीके से भाई हाँ 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 रे वाह भैया फिर बहुत देर से बताया ये सब बातें सबसे पहले पता है सबको ठीक है पढ़ाई पे ध्यान दे लो कहा शेयर शायरी कर रहे हो कमेंट बॉक्स में है ना ऐसे पढ़ाई होगी चलिए तो यहां पर देखिए बटाफट मैग्रो वन साथियों अच्छा मैग्रो वन को और क्या कहते हैं पता है मैग्रो वन को याद रखिएगा और इसको और क्या कहा जाता है इसको कच्छ वनस्पति भी कहा जाता है क्या कहा जाता है भैया कच्छ वनस्पति भी कहा जाता है अच्छा सर्वाधिक क्षेत्र इसका कहां मिलेगा सर्वाधिक क्षेत्र साथियों इसका कहां मिलेगा बताओ तो सर्वाधिक क्षेत्र साथियों इसका मिल जाएगा कहां पर वेस्ट बंगाल में कहां पर मिलेगा वेस्ट बंगाल में इसका सर्वाधिक क्षेत्र मिलेगा गुजरात इसके मामले में दूसरे नंबर पर है गुजरात इसके

ये स्टील प्लांट इन इंडिया यह क्या है भैया ये इंडिया में स्थित स्टील प्लांट है चलिए ये बता दीजिए फटाफट स्टील प्लांट का मतलब होता है इस पांच संयंत्र ठीक है ना चलिए फटाफट बताइएगा जोरदार कमेंट के साथ कि निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर जनजाति पाई जाती है तो साथियों जनजाति तो आप जानते हैं सोमपेन जनजाति आप जानते हैं कि निकोबार द्वीप समूह में मिलेगी यहां कोई दिक्कत नहीं है भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं वो आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं हो सकता है कि अभी इतना स्पष्ट ना दिख रहा हो लेकिन अगर आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएंगे तो सब स्पष्ट दिखेगा और पीडीएफ में तो यह सब दिखेगा तो मैप से याद करने का प्रयास करिएगा तो जनजातियां जल्दी याद हो जाएंगी भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बताना है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान तो साथियों सबसे पहले तो याद करिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है दुधवा साथियों उत्तर प्रदेश में है राजा जी उत्तराखंड में स्थित है

कहां पर साथियों सर्वाधिक बारह मध्य प्रदेश में है ठीक है ना बहुत जरूरी बात है तो साथियों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है साथियों यही भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ठीक है और जबकि साउथ बटन कहां पर है साउथ बटन साउथ बटन साथियों अंडमान निकोबार में स्थित है कहां पर स्थित है अंडमान निकोबार में यह स्थित है पक्की बात है चले अगले प्रश्न की तरफ याद रहेगा ना तो राष्ट्रीय उद्यानों संबंधी सभी जानकारियां आपकी स्क्रीन पर है याद करने का पूरा प्रयास करेंगे ठीक है भाई जमशेद आओ जरा ये बताओ फटाफट तो हाँ जी फटाफट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नासिक किस नदी के किनारे स्थित है है ना? तो भैया देखो कैसे याद कर लोगे आप गन्ना गन्ना जानते हो ना गन्ना तो ग ग से से क्या हो जाता है हो, हो जाएगा गोदावरी ग से हो जाएगा गोदावरी और ना से क्या हो जाएगा नासिक ना से क्या हो जाएगा नासिक हो जाएगा तो भैया गोदावरी नदी के किनारे स्थित है क्या नासिक गोदावरी नदी के किनारे क्या स्थित है नासिक स्थित है क्या स्थित है नासिक स्थित है चलिए बताइए जरा तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है इस बात का ध्यान दीजिएगा देखिए एक होती है साथियों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहां पर प्राइवेट सेक्टर होता है जैसे कि अमेरिका ठीक है

हाँ जी भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है राष्ट्रीय आय का मतलब साथियों नेशनल इनकम होता है ठीक है तो सबसे पहले तो प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं साथियों तो इसमें कृषि आता है इसमें और क्या आता है इसमें साथियों पशुपालन भी आता है ध्यान रखिएगा पशुपालन भी इसी में आता है इसी में साथियों खनन भी आता है बहुत कम लोगों को पता होगा लेकिन इसी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आप देखेंगे साथियों तो मत्स्य पालन भी आता है क्या आता है मत्स्य पालन भी इसके अंतर्गत आ जाता है इसके अंतर्गत साथियों मुर्गी पालन वगैरह भी आ जाता है इस तरह की चीजें ठीक है ना अच्छा द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो साथियों इसके अंतर्गत उद्योग क्षेत्र आते हैं या फिर कह सकते हैं विनिर्माण क्षेत्र इसको इसको कह सकते इसको क्या कह सकते सकते हैं हैं क्या साथियों विनिर्माण क्षेत्र कह सकते हैं मतलब एक ऐसा क्षेत्र है ना ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है ठीक है तृतीय क्षेत्र में क्या है साथियों तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कह सकते हैं और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है भैया जैसे परिवहन साथियों क्या आता है इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत परिवहन आता है इसके अंतर्गत साथियों शिक्षा आती है इसके

ये बताइए राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में बहुत बड़ी बड़ी नीति फटाफट बता दो तो और इसी बात पर जबरदस्त तरीके से देखो कि पहले नंबर पर महाराष्ट्र है दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है तीसरे नंबर पर राजस्थान है ठीक है तो भैया पूरी नंबरिंग आपको बता दी है इसको जबरदस्त तरीके से याद रखिएगा कि महाराष्ट्र पहले नंबर पर है ठीक बात है ना चलिए तो बिल्कुल शानदार सी बिहार एस इंटर लेवल वाली ये बुक एकदम धुआं धुआं करने वाली बुक है भाई ये बता दीजिए तो प्रश्न क्या है कि यह 150 साल पुराना मंदिर है जो गुजरात के देवकंबोई में है यह एक तरफ अरब सागर और दूसरे तरफ कैम्बे की खाड़ी से घिरा हुआ है यह मौजूद शिवलिंग कम से कम ज्वार के घंटों के दौरान देखे जा सकते हैं भाई देखिए ऐसा है ज्वार भाटा तो आप जानते हैं ठीक है ना हां ठीक है अब देखिएगा जरा कि ज्वार भाटा साथियों आप जानते हैं नहीं भैया जमशेद एकदम लेटेस्ट डाटा बता रहा हूं ठीक है तो आप देखेंगे साथियों ज्वार भाटा ज्वार का मतलब क्या है ऊपर उठना पानी का समंदर के लहरों का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना साथियों भाटा कहलाता है ठीक है ना तो इसका राइट आंसर क्या है सोमनाथ मंदिर मैक्सिमम लोगों ने बताया भी है सोमनाथ मंदिर आप जरा ध्यान दीजिएगा कि ये साथियों आप देखेंगे यहां पर इस तरह से जबरदस्त ये देखिएगा गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको दिख जाएगा ये है आपका भाई क्या सोमनाथ मंदिर ठीक है यहीं पर हालांकि नागेश्वर भी है ठीक है लेकिन सोमनाथ भी यहां पर स्थित है ठीक है तो बिल्कुल महत्वपूर्ण तो है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं आइए अगला देख लिया जाए भैया हां जी ठीक है ये क्या है बारह ज्योतिर्लिंग तो बारह के बारहों ज्योतिर्लिंगों के नाम आपको इस मैप से याद रहेंगे बारह के बारहो ज्योतिर्लिंगों के नाम इस मैप से याद रखिएगा चलिए वेदों का प्रमुख टीकाकार सायन साथियों सायन ये सायन ऐसे भी लिखा रहता है कभी कभी सायन ऐसे लिखा रहता है ऐसे भी कभी कभी साथियों सायन लिखा रहता है तो याद रखिएगा ठीक है ना इसको याद रखिएगा साथियों इसका राइट आंसर क्या है विजयनगर साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक तो आपको याद ही होंगे हरिहर व बुक्का याद है ना हरिहर व बुक्का और अगर साथियों हरिहर व बुक्का आपको याद है तो याद करिए ये इस वंश के संस्थापक है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हैं और हरिहर व बुक्का के गुरु का नाम भी अक्सर पूछा जाता है और इनके गुरु का नाम अभी स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया था कि क्या नाम था इनके गुरु का इनके गुरु का नाम था भैया विद्यारण्य क्या नाम था इनके गुरु का विद्यारण्य सूची एक को सूची दो से मिलान करना है ठीक है अब आप देखेंगे साथियों जैसे कुचिपुड़ी है तो कुचिपुड़ी को आंध्र प्रदेश से मिला दिया भरतनाट्यम है तो साथियों भरतनाट्यम को तमिलनाडु से मिला दिया ठीक है कथक है तो कथक को साथियों उत्तर प्रदेश से मिला दिया उड़ीसी है तो उड़ीसी को उड़ीसा ठीक है तो इस तरह से आराम से आप कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका चार तीन दो एक क्या हो जाएगा चार तीन दो एक भी है ठीक है ना चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए हाँ जी ये बताइए जरा भाई बढ़िया प्रश्न ये है कि बिल्कुल कह रहा है कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है भाई अल्पना भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है फटाफट बताएंगे किस क्षेत्र की लोक कला है ठीक है ना हाँ जी फटाफट बताएंगे भैया नौकरी किस में आता है कौन सी नौकरी किस में आता है सीधा यही नौकरी तो हर जगह आता है सॉरी इसका राइट आंसर क्या है भैया पश्चिम बंगाल क्या राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में तो बिल्कुल याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है अल्पना लोक कला शैली पंचमहल कहां स्थित है? पंच है तो भाई साहब पंचमहल कहां स्थित है? है और याद करिए अकबर ने बसाया था उन्नीस में सॉरी पंद्रह में अकबर ने इसको बसाया था कि नहीं बसाया था याद है आपको या एकदम सही बात है अच्छा फिर साथियों फतेहपुर सिकरी में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जैसे याद करिए यहां पर आपको इबादत खाना मिल जाएगा क्या मिल जाएगा भैया यहां पर आपको यहां पर साथियों आपको इबादत खाना मिल जाएगा और यहीं पर आपको और क्या मिल जाएगा याद करिए तो यहीं पर दोस्तों आपको बुलंद दरवाजा मिल जाएगा क्या मिल जाएगा यहां पर बुलंद दरवाजा मिल जाएगा यहां पर आपको साथियों चिश्ती का मकबरा मिल जाएगा किसका भैया सॉरी शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किसका भैया शेख सलीम चिश्ती का मकबरा शेख सलीम चिश्ती का साथियों हो यहां पर आपको फेमस मकबरा भी मिल जाएगा चलिए और पूरा का पूरा फतेहपुर सिकरी ही यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है पता है ना हाँ आइए ये बताइए जरा तो कह रहा है सबसे अधिक डाकघर किस देश में है भैया तो सबसे अधिक डाकघर नो डाउट भारत में है और भारत में कहां पर है भैया भाई उत्तर प्रदेश में चलिए ये बताइए फटाफट भैया हाँ जी फटाफट फटाफट भाई कह रहा है कि तो डॉक्टर एम एस तो स्वामीनाथन को हाल ही में भारत रत्न दिया गया है आप जानते हैं कि हाल ही में कुल मिलाकर पांच लोगों को भारत रत्न दिया गया तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन साथियों कौन है आप जानते हैं कि इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है ना भारत में इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है तो जाहिर सी बात है कि इस तरह से आप इसका आंसर तुरंत तो बता लोगे और राइट आंसर क्या हो जाएगा कृषि हो जाएगा क्या हो जाएगा कृषि हो जाएगा और बाकी साथियों आप जानते

तो बिल्कुल अध्यादेश साथियों क्या है जैसे आज के समय में अगर हम अध्यादेश की बात करते हैं तो साथियों अध्यादेश आज के समय में राष्ट्रपति जारी कर सकता है ठीक है ना राष्ट्रपति जारी कर सकता है और राज्यों में राज्यपाल जारी कर सकता है राष्ट्रपति को यह अधिकार अनुच्छेद एक देता है और राज्यपाल को यह अधिकार अनुच्छेद दो देता है क्लियर बात है ना तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या है भारत परिषद अधिनियम अठारह भारत परिषद अधिनियम अठारह ठीक है ना और उस समय कौन था उस समय साथियों आप देखेंगे कि कैनिंग वायसराय था ठीक है ये बताइए जरा तो उन्नीस में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी संविधान सभा के गठन की मांग की थी भैया चलिए फटाफट बताइए भैया देखो संविधान सभा के गठन की मांग का जहां तक सवाल है तो पहली बार मांग किसने की थी तो पहली बार मांग करने वाले व्यक्ति थे एम एन रॉय कौन भैया एम एन रॉय ठीक है ना हालांकि एम एन रॉय अगर विकल्प में ना मिलाए तो बाल गंगाधर तिलक भी ऑप्शन हो सकता है लेकिन अमूमन बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में होते नहीं है एम एन रॉय ही ऑप्शन में होता है ठीक है ना लेकिन वयस्क मताधिकार वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि बकायदा जैसे लोकसभा का आज के समय में इलेक्शन होता है ना वैसा इलेक्शन कराकर इसके गठन करने की सिफारिश किसने की थी जवाहरलाल नेहरू ने की थी ठीक थी, है ना ये बताइए जरा फटाफट तो हाँ जी बताना है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां अब किस अनुच्छेद में यह बात लिखी है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं तो होंगी बताइए जैसे देखिए अनुच्छेद इक्यावन की बात करें तो इसमें साथियों दे रखा है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा यही दे रखा है यहां पर डीपीएसपी के अंतर्गत साथियों में राष्ट्रपति का पद है प्रेसिडेंट का पद है क्या है यहां पर? यहां पर पर राष्ट्रपति का पद है अब इसका राइट आंसर ये है और साथियों अगर हम चौवन की बात करें तो यहां पर क्या दे रखा है राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज अर्थात निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज अर्थात निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज अर्थात निर्वाचक मंडल आइए अगला प्रश्न देख लिया जाए संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है हाँ अपू बताओ भाई फटाफट हाँ जी पारस बाबू बताओ बताओ ठीक है वो देखा जाएगा अभी ठीक है चलिए तो भैया राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर है 110 ठीक है ना अनुच्छेद 110 में परिभाषा दे रखी है लेकिन इसकी जो विशेष प्रक्रिया है जो प्रोसेस है वो कहां दे रखा है प्रोसेस साथियों अनुच्छेद 109 में दे रखा है प्रोसेस कहां दे रखा दे रखा रखा है 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 अनुच्छेद 109 में पक्की बात है, मानी बात मानी आइए ये, ये देखिएगा भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देखिए इस प्रश्न में एक चीज का ध्यान रखिएगा इस प्रश्न में एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि साथियों इसका आंसर जो है ना एक्चुअली में ये क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए था जिसका आधार नहीं है ठीक है ना यहां पर क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था नहीं है क्योंकि अनुच्छेद तेरह भी है बत्तीस भी है दो सौ छब्बीस भी है तीन सौ अड़सठ नहीं है इस बात का ध्यान रखना कि यहां पर नहीं वाली बात होनी चाहिए थी क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन लिखा है और न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है साथियों न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है न्यायिक समीक्षा न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है न्यायिक समीक्षा क्लियर बात है ना न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है न्यायिक समीक्षा और अनुच्छेद तीन में तो संशोधन दे रखा है क्या दे रखा है यहां पर संशोधन दे रखा है भाई आप देखे ना अनुच्छेद 13 में ये लिखा है कि मौलिक अधिकारों के, के अगेंस्ट अगर कोई कानून बनेगा तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर देगी ठीक है अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के रक्षा रक्षात रिटे जारी कर सकती है ठीक है अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट रिटे जारी कर सकता है समझ रहे हो ना चलिए और न्यायिक पुनरावलोकन का विकास अमेरिका में हुआ था ठीक है ये बताया जा तो भैया हाँ जी बताना है भारत में पहली बार अंजलि जी पढ़ाई कर लीजिए बाकी सब तो चलता रहता है ठीक है जी उनमें बहुत से मिलेंगे ऐसे मकाम है ना पढ़ लीजिए अभी नहीं तो हो जाएगा काम तमाम हाँ जी बताइए भारत में पहली बार भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार 1919 के एक्ट के तहत 1919 के एक्ट के तहत 1919 के एक्ट के तरह साथियों ये प्राप्त हुआ था आपका 1920 में ठीक है ना 1919 के अच्छा पहला देश पहला देश जिसने महिलाओं को मताधिकार दिया था बता सकते हैं आप तो पहला देश था साथियों न्यूजीलैंड पहला देश कौन था पहला देश था न्यूजीलैंड पक्की बात है आइए एडविन लुटियंस एडविन लुटियंस साथियों किसके संस्थापक माने जाते हैं नई दिल्ली इसमें इनका सहयोग किसने किया था

तो क्या बताओगे और पहला राज्य पूछे तो क्या बताओगे तो याद रखना पहला देश कौन सा है तो भाई साहब पहला देश है स्कॉटलैंड पहला देश कौन सा है स्कॉटलैंड है ठीक है ना स्कॉटलैंड और पहला राज्य कौन सा है राजस्थान है पहला राज्य कौन सा है राजस्थान है ठीक बात है ना तो बिल्कुल याद रखिएगा साथियों इसका राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर है बक्सर क्या है भैया राइट आंसर बक्सर पक्की बात है चलें अगले प्रश्न की ओर कहा 40 प्रश्न हो गए तो आप कमेंट करके आप बताएंगे कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए ठीक है ना हाँ जी चलिए किसके कितने क्वेश्चन सही हुए ठीक है अच्छा जिसको ये देखना है कि सैनिटरी पैड क्या होते हैं एक बार गूगल पर सर्च कर लीजिएगा सैनिटरी पैड ठीक है जानकारी सभी को होनी चाहिए ठीक है ना और बहुत अच्छी चीज है बहुत जरूरी चीज है हमारे समाज की आज के मतलब एक तरह से इंसानों की सबसे नायाब जो खोज है जो है ना एक तरह से आविष्कार है समझ लीजिए वो चीज है और बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए एक बार गूगल कर लीजिएगा ठीक है ना तो भैया चालक बैच शानदार जबरदस्त धमाकेदार चल रहा है फिलहाल संदीप 40 में से 34 सही कर लिए हैं बहुत बढ़िया है, मानदीप भाई 40 में से 18 विपिन के 30 सही हो गए ब्रावी जी के बत्तीस ठीक है संजीत पैंतीस वेरी गुड ठीक है नीतीश चालीस में से बाईस ठीक है बहुत बढ़िया अच्छा नीतीश अब नीतीश आ जाते हैं आज क्या हुआ नीतीश का कुछ बताए नहीं है ना क्या मतलब राजनीति में क्या चल रहा है हाँ जी जमशेद खान जी 33 अच्छा साहिद तीस बहुत बढ़िया भैया मलिंगा अच्छा चौंतीस ठीक है अंजलि जी अड़तीस पक्का अरे वाह ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है भाई पारस हाँ ठीक है भाई नीलेष अमित राजेश निर्मल बहुत बढ़िया भाई कविता सुरबी ठीक है ठीक है भाई आकाश गुड़िया ठीक चलिए तो आज के सेशन को साथियों यहीं पर समाप्त करेंगे आशा करते हैं कि सभी लोगों को खूब चीजें पसंद आ रही होंगी और नियमित रूप से जरूर जुड़े रहिएगा और हां इस क्लास की जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम पर प्राप्त कर लीजिएगा ठीक है ना इस क्लास की पीडीएफ साथियों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी ठीक है लव यू ऑल ये प्रोसेस है कि अगर आप कोई बैच लेना चाहते हैं बिल्कुल जबरदस्त धमाकेदार तरीके से ठीक है चलिए गुड नाइट शुभरात्रि राधे राधे और जय हिंद